हेलो जी, सत श्री अकाल जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हरियाली दाल की रेसिपी। मैंने भी ये रेसिपी कहीं से देखी थी और मुझे इतनी टेम्पटिंग लगी, मैं भी ये वाली दाल बनाती हूँ। लेकिन मेरा बहुत ही डिफरेंट तरीका है, लेकिन ये वाला तरीका बहुत डिफरेंट था, तो मैंने कहा क्यों ना बनाया जाए। कल गए थे सब्जी मार्केट, खूब सारी पालक भी ले आई थी, तो इसका आज यूटिलाइज किया जाए। तो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट कढ़ाई ले ली है। आजकल आपको पता ही है मेरी ये फेवरेट कढ़ाई है। और ये मैंने यहाँ पे मूंग छिलका दाल भिगो के रख ली थी 3 से 4 घंटे के लिए। छिलका दाल डालेंगे इसमें हम। इसमें हम डालेंगे हरा प्याज और धनिया, क्योंकि हरियाली दाल है, सब कुछ हरा हरा डालेंगे। और यहाँ पे मैंने ली है पालक, आधा किलो पालक कह लीजिए। मिक्सी में डालेंगे हम थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, साथ में 3 हरी मिर्च, अदरक लहसुन, और मैंने यहाँ 2 छोटे प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। इन सबको इकट्ठा पीस लेंगे। तो ये हमने अच्छी तरह पीस लिया, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसको भी डाल देंगे साथ में। थोड़ा सा पानी मिक्सी में डाल के ये वाला भी डाल देंगे। और साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। इसको एक बार ऐसे मिक्स कर लीजिए। पालक भी काफ़ी अपना पानी छोड़ेगी, तो अभी मैंने खाली 1 गिलास पानी डाला है। बाद में चेक कर लेंगे, पानी कम लगेगा तो साथ साथ थोड़ा सा डाल लेंगे। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 3 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, नमक। कर लेते हैं और इसको अब ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए। दाल को मुझे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसको एक बार हिला के देख लेते हैं। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें दाल में और भी डाल सकते हैं। तो मैंने देख लिया बिल्कुल ठीक है। एक पैन में मैंने यहाँ पे घी रख दिया है गर्म करने के लिए। जैसे घी गर्म हो इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा का। जैसे जीरा चटकना शुरू हो जाए इसमें मैं डाल दूँगी खूब सारा लहसुन चॉप करके। इसको हल्का हल्का भून लेंगे। लहसुन को थोड़ा हल्का हल्का भूनने के बाद मैं इस पर डाल दूँगी 2 हरी मिर्च। अदरक को पतला पतला लंबा लंबा काट लिया, इसको भी घी में अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेंगे। साथ में मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच हींग का, थोड़ी सी लाल मिर्च, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लेंगे। हरा तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद। और अगर आपको लग रहा है कि दाल में नमक कम है तो आप दाल में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो आप तड़के में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो तड़का हो गया तैयार और मैं तड़के की गैस कर दूँगी बंद। और ये सारा तड़का डाल देंगे हम अपनी दाल में। मिक्स कर लेंगे दाल के साथ। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैंने सोचा नहीं था। आह हा हा हा। तो दाल हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। अब हमने कुछ भी नहीं करना, गैस फ्लेम को कर देंगे बंद। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 नींबू का रस और साथ में डाल देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। इतनी रिफ्रेशिंग खुशबू आ रही है ना, मस्त, बहुत ही मस्त। लेकिन थोड़ी सी मिर्ची यहाँ तेज़ हो गई है, तो आप मिर्च का बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म लच्छा परांठा के साथ। तो देखो जी, हमारा परांठा, दाल, दही और खाना और बंदा इंतजार कर रहा है हाथ जोड़ के कि जल्दी ला भाई। कुछ एवरीथिंग वेरी वेरी हॉट। आप बस दाल खा के बता दो कैसी है। मैं खुद ये पहली बार बनाई है, इस टाइम में पहली बार बनाई है ना। पालक की दाल तो हम बनाते हैं, बहुत स्वाद है, दाल बहुत स्वाद है। तुमने पालक डाला है तो हेल्दी भी है काफी। हरियाली दाल वही दाल बहुत स्वाद है। तो आप भी अगर ऐसी हरियाली दाल स्वाद स्वाद खाना चाहते हैं, आप भी जाएं बनाएं खाएं और अपनी फैमिली को भी ज़रूर खिलाएं। इन्जॉय, जैसे हम कर रहे हैं।